अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, उमरा जाने के लिए अगर आप लखनऊ से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट देख रहे हैं, यानी कि सऊदी एयरलाइंस, जिसमें आपको कोई भी जो वाया फ़्लाइट की जो मशक्क़तें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं स्टे वहाँ पे जो होता है, तो उससे बचने के लिए अगर आप कोई डायरेक्ट फ़्लाइट रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने में सर्च कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको अपने जो दो पैकेजेस हमारे जो रमज़ान शरीफ के बने हुए हैं सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ़्लाइट के साथ में, उसकी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लें, और अगर आप लोग रमज़ान के पैकेजेस की बुकिंग अभी नहीं करा सके हैं, तो ये जो दो पैकेजेस हम आपके साथ अभी शेयर करने वाले हैं, इसमें फ़ौरन बुकिंग करा लें। पैकेजेस हैं ये, इसमें जो होटल्स की कैटेगरी है वो 3 स्टार से 4 स्टार कैटेगरी के ये होटल्स हैं, जिसमें आपको जो रिहाइश मिलेगी हरम शरीफ के काफ़ी नज़दीक में मिलेगी, 550 मीटर की दूरी मक्के में, और मदीने की अगर बात करें तो सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर आपको वहाँ पर होटल्स मिलेंगे। तो ये जो डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, इसकी जो सबसे ख़ास वजह ये है, क्योंकि अमूमन आपने देखा है कि कई लोग रमज़ान में जो होटल्स की जो दूरी देखते हैं वो नज़दीक में चाहते हैं, क्योंकि आप रोज़े से होंगे तो आप लोग चाहेंगे कम से कम आपको पैदल चलना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि शटल सर्विसेज के जो होटल्स हैं, कभी कभी बसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाता है, या वेट ना करते वक्त आपको खुद ही वहाँ से पैदल जाना पड़ जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जो नज़दीक में जो होटल्स हैं वो पैकेजेस की बुकिंग करानी है, और ये जो पैकेजेस हैं इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है मार्केट में। और हमारे जो होटल्स हैं उसकी जो जो रिव्यूज़ हैं आप लोग खुद ही देख सकते हैं। मैंने अभी एक वीडियो अपने एक क्लाइंट का भी साथ में आपके साथ में शेयर किया है इसी चैनल पर, आप लोग उसको देख सकते हैं कि वो अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़्यादा मुतमईन है, कितना सेटिस्फाइड है हम लोग की सर्विसेज से। कभी कभी आप लोगों की तरफ से मांगे जाते हैं ऐसे वीडियोस, तो अपने क्लाइंट से हम लोग बोल के इस तरीके के वीडियोस भी आप लोगों के लिए शेयर कर देते हैं। तो पैकेज की डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर देते हैं कि जो डेट्स हैं वो 25 मार्च से हमारा ये पैकेज स्टार्ट होगा, जो कि 18 दिन का है। सऊदी एयरलाइंस के साथ में मिल के बनाया गया ये पैकेज है। ये 18 दिन के बाद यानी कि 11 अप्रैल को आपके साथ में ये पैकेज जो है वहाँ से रिटर्न आएंगे सभी हाजी हमारे इंशाल्लाह। और अगर आप इसके बाद जाना चाहते हैं तो एक और पैकेज हमारा 28 मार्च को कन्फर्म हुआ है, जो कि 13 अप्रैल को इंशाल्लाह रिटर्न आएगा। ये पैकेज 17 डेज़ का है। दोनों ही पैकेज सऊदी एयरलाइंस के हैं। इसमें आपको रमज़ान शरीफ के सभी जो सारे जो आपके पैकेज के जो जो डेज़ हैं ये रमज़ान शरीफ में ही आपको सऊदी अरब में बिताने को मिलेंगे, जिसमें आपके आधे दिन मक्के शरीफ में और बाकी आधे दिन मदीने शरीफ में मिलेंगे। कॉस्टिंग की अगर बात की जाए तो 25 मार्च को जो पैकेज है वो 18 दिन का है, तो वो 1,40,000 रुपये की कॉस्ट है। और अगर आप जो हमारा 27 तारीख को पैकेज जा रहा है, जिसमें एक दिन कम है यानी कि 17 दिन का पैकेज है, ये आपको 1,38,000 रुपये का पड़ेगा। तो इस पैकेज की कॉस्ट अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि ये 17-18 दिन का पैकेज थोड़ा कॉस्टली लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें मार्केट में हमारे और भी पैकेजेस हैं जो बजट होटल्स के साथ में बनाए गए हैं, जिसमें वाया फ्लाइट्स भी हैं, कुछ सऊदी एयरलाइंस की भी फ़्लाइट्स हैं। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये जो होटल्स हैं ये इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, एकदम नीट एंड क्लीन रूम्स आपको मिलेंगे, आपको खाने की क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा, एक नंबर की क्वालिटी का आपको खाना मिलेगा इस पैकेज में। और अगर आप होटल के स्टाफ की बात करें तो उनका बिहेवियर भी बहुत ही अच्छा है। जितने भी क्लाइंट्स हैं उनका रिव्यू अगर आप देखेंगे, हम लोग आपके साथ में शेयर कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे बात करें, हम आपको उनके रिव्यूज़ भी शेयर कर देंगे। एक नंबर की सर्विसेज हैं इन होटल्स की, आपको इनमें कुछ भी मशक्क़त इंशाल्लाह नहीं आने वाली है। और अगर आप सस्ते पैकेजेस चाहते हैं तो वो भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे, हम लोग वो भी बना रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि हर किसी का बजट अलाउ नहीं करता, और ये सब कुछ डिपेंड करता है हाजी के मिजाज के ऊपर। अगर आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वैसे होता नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से हम आपको बता के भेजते हैं कि बजट पैकेज में अगर जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट की गुंजाइश अपने तरफ से ज़रूर रखें। तो उम्मीद है इन पैकेजेस की डिटेल्स आपको क्लियर हो गई होगी। डॉक्यूमेंट्स आप सभी को पता है कि पासपोर्ट, वैक्सीन सर्टिफिकेट और अगर पैन कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, और एक फोटोग्राफ आपका लगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। सर्विसेज आपको बता दी कि आपका एयर टिकट, आपका वीज़ा, इंश्योरेंस, आपके तीनों टाइम का खाना, तीनों टाइम के खाने का मतलब ये कि रमज़ान में आपको तो सुबह सहरी का इंतज़ाम, आपका इफ्तार का, और इंशाल्लाह रात के खाने का, ये इन तीनों का आपका इंतज़ाम आपको मिलेगा प्रॉपर होटल्स में। और आपका जो लॉन्ड्री सर्विसेज है, आपकी सभी ज़ियारतें हैं, ये सब कुछ इसी में शामिल है। आपको अपने अलग से कोई भी इसका पेमेंट नहीं करना है, बस आप अपने पर्सनल जो एक्सपेंस के लिए जो भी पेमेंट लेके जाना चाहें वो आप ले जा सकते हैं। रियाल भी आपको हमारे यहाँ से ऑन पेपर विद बिल आपको मिल जाएंगे। और कोई नई अपडेट होगी ट्रैवल इंडस्ट्री की तो ज़रूर शेयर करेंगे, और भी नए पैकेजेस होंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ में जल्द से जल्द शेयर कर दिए जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।